हमारे कोहनी और घुटनों पर बहुत सारी डेड स्किन सेल की परत जम जाती है, जिसके कारण काले धब्बे पड़ जाते हैं। ये बहुत ही आम बात है और ये होता है ज़्यादा धूप के संपर्क में आने से, हाइपरपिगमेंटेशन या फिर हार्मोन्स के इम्बैलेंस से। हम लाए हैं आपके लिए ये चीज़ें जो सबसे नेचुरल है। एक्सफोलिएशन के बारे में सोचे तो बेकिंग सोडे से बेहतर कोई नहीं। ये आपके स्किन में धीरे धीरे से अंदर जाके त्वचा में छिपे डेड स्किन सेल को रगड़कर साफ कर देता है। एक चम्मच बेकिंग सोडा और एक चम्मच दूध के साथ मिक्स करें। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा के रुके हिस्से को हल्का करके मॉइस्चराइज करता है। 1 से 2 मिनट तक मसाज करें। रोजाना इसे इस्तेमाल करके आप बेहतर रिजल्ट पा सकती है। बेसन, हल्दी और नींबू का रस, इनका मेल किसी चमत्कार से कम नहीं। बेसन तो हमारे दादी माँ के नुस्खों में से एक सीक्रेट है जो त्वचा को एक रंगत देने में माहिर है। तो उनकी इस खूबसूरती का राज क्या है? ये एक अच्छा एक्सफोलिएंट है और ये वैसे ही काम करता है जैसे आपकी त्वचा को जरूरत होती है। 1 चम्मच बेसन को सिर्फ 1 चुटकी हल्दी के साथ मिक्स करें, जिसमें मौजूद रोगनाशक तत्वों से त्वचा को हील होने में मदद होती है। अब आधे नींबू का रस डालें। नींबू के सत्व से त्वचा की रंगत बढ़ती है। इनको अच्छे से मिक्स करें और उंगलियों की मदद से अपने कोहनी और घुटनों पर 20 मिनट तक लगाकर रखें और फिर धो दें। इसे हफ्ते में 2 या 3 बार लगाएं और पाएं छुटकारा उन जिद्दी काले धब्बों से। डार्क पैचेस को नष्ट करने का एक्सफोलिएशन एकमात्र तरीका है, इसलिए शहद और शक्कर का स्क्रब हमेशा याद रखें। 1 चम्मच शक्कर को 1 चम्मच शहद के साथ मिक्स करें और इसका असर और बढ़ने के लिए थोड़ा सा नींबू का रस भी मिलाएं। शहद त्वचा को मॉइस्चराइज करेगी और शक्कर जो बड़ी नरमी से स्क्रब करके त्वचा से डेड स्किन की लेयर को निकालता है। इसे हफ्ते में 3 बार करें और 15 मिनट तक रखें। इनमें से जो भी आपके मन को भाए उसे आजमाएं और उन डार्क पैचेस से छुटकारा पाएं। Until next time, stay tuned, stay glamorous.